ईरान से खबरें आपने जानी, कुछ मजीद खबरों की जानी बढ़ते हैं। दुनिया भर में मोहब्बत की अलामत समझे जाने वाले ताजमहल को इंतहा पसंद हुक्मरान जमात की जानिब से नफरत का सामना है। बीजेपी रहनुमा ने ताजमहल को मुगल लुटेरों की निशानी करार देकर मिटाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। भारत की हुक्मरान जमात मुसलमान दुश्मनी में अपने ही मुल्क के सकाफती वर्से के पीछे पड़ गई। बीजेपी के रहनुमा सोम संगीत कहते हैं कि मोदी सरकार तारीख को बदलने का काम कर रही है। मेरठ में एक रैली से खिताब करते हुए मुगल बादशाह बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब को लुटेरा और गद्दार बेकरार दिया। उन्होंने कहा कि शाहजहां इंडिया के सभी हिंदुओं को खत्म करना चाहता था और ऐसे हुक्मरान की इमारत हिंदुस्तान की तारीख का हिस्सा नहीं हो सकती। सोम संगीत ने कहा कि बहुत लोगों को दर्द हुआ जब ताजमहल को महकमे तारीख को मस्क कर दिया गया था, जबकि अब इसे ठीक किया जा रहा है। बकौल सोम संगीत, उनके भगवान राम से कृष्ण तक और महाराणा प्रताप से शिव जी तक सभी को सही मकाम तक लाया जा रहा है। दूसरी जानिब असदुद्दीन अवैसी और दीगर मुस्लिम जमातों ने सोम संगीत के बयान की मजम्मत की है, जबकि एक और बीजेपी रहनुमा ने सोम संगीत के बयान को उनका जाती बयान करार दिया है।